कुछ आ रहे ने वड्डे बदलाव जानना है बेहद जरूरी। नियमों दे विच कीती जावेगी वड्डी तब्दीली। आखिरकार ये केड़े बदलाव ने केड़े नियम अपनाए जाएंगे ते क्यों जाने जरूरी ने। दरअसल हर साल हर महीने कई कुछ बदलाव जोड़े ने वो कीते जाते हैं, कई स्कीम नवी लिया जाती ने, कई नियम नवे बनाए जाते हैं वख-वख चीज़ों को लैके। तो ये केड़े नियम ने और ये जानने बेहद क्यों जरूरी ने, आओ जानते हैं। 1 अक्तूबर तो निजी वित्तीय साल से संबंधित कई महत्वपूर्ण बदलाव हो जा रहे हैं। छोटिया बचत स्कीमों तो लैके आधार कार्ड अपडेट तक बजट प्रबंधन लिए इन तब्दीलियों बारे सुचेत होना जरूरी है। जिक्रयोग है कि 1 अक्तूबर तो स्थाई खाता नंबर लिए अर्जी देने या इनकम टैक्स रिटर्न भरने वेले अपनी आधार नामांकन ID की वरतों करने की इजाजत नहीं होगी। बजट मेमोरेंडम अनुसार इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139A मुताबक ये लाजमी होगा कि आधार कार्ड नंबर प्राप्त करने के लिए योग व्यक्ति 1 जुलाई 2017 तो प्रभावी PN अर्जी फार्म आमदन टैक्स रिटर्न इसका जिक्र करना चाहिए। इस ही बोनस शेयर की गल की जाए तो भारतीय प्रतिभूतियां एक्सचेंज बोर्ड ने बोनस शेयर के व्यापार सुचारू बनाने के लिए एक नवा फ्रेमवर्क लागू किया है। 1 अक्तूबर तो बोनस शेयर T+2 व्यापार लिए योग हो गए। अजय करने रिकॉर्ड मिति उन्होंने जमा किए जाने कारोबार किए जाने विचकार का समा घट हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने डाकघर राही राष्ट्रीय छोटिया बचत स्कीमों के तहत गलत तरीके खोले गए खातों को नियमित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए ने। अनियमित खातों को नियमित करने के लिए मंत्रालय को जरूरी दस्तावेज जमा करवाने पड़ेंगे। विभाग वालों 6 प्रमुख श्रेणियों के लिए विशेष दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं, जिस अनियमित NSS खाते शामिल ने। इन्होंने नाबालिगों के नाम से खोले गए PPF खाते, मल्टीपल PPF खाते, NRIs द्वारा PPF खाते का विस्तार, माता की बजाय दादा दादी द्वारा खोले गए सुकन्या समृद्धि खातों को नियमित करना शामिल है। दस दिए कि फ्यूचर एंड ओपन यानी FO व्यापार के प्रतिभूति लैण देन टैक्स जिहड़ा है उस संबंधी भी 1 अक्तूबर 2024 तो वादा किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2024 दे विच पेश कीतियां गईयां इन्हां तब्दीलियां दा उद्देश तेजी दे नाल वध रहे डेरीवेटिव्स बाजार दे विच सट्टेबाजी व्यापार नूं घटाउणा है। विकल्प विक्री ते STT प्रीमियम दे 0.0625% तो 0.1% तक वध जाएगा। उदाहरण लई जेकर तुसीं 100 रुपए दे प्रीमियम नाल कोई विकल्प वेचदे हो तां STT हुण 0.0625 तो वध के 0.010 हो जाएगा। इस दे नाल ही व्यस्त हफ्तियां दौरान यात्रियों की संख्या में संभावित वाधे के मद्देनज़र भारतीय रेलवे बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के विरुद्ध एक विशेष मुहिम शुरू करेगा। रेल मंत्रालय अनअधिकारित यात्रा से रोक लगाने और टिकटों की जांच प्रक्रिया को सख्त करने के लिए पहलकदमी शुरू कर रहा है। दस दिए कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने ऐलान किया है कि डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 1 अक्तूबर 2024 तो लागू होगी। इस स्कीम का उद्देश टैक्सदाताओं 22 जुलाई 2024 तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टा होर अपीली अथॉरिटियां अगे लंबित अपीलों और पटीशन समेत चल रहे विवादों का निपटारा करने की इजाजत दे के आमदन कर रहे मुकदमेबाजी को घटा है।